ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार प्रियजनों, आप देखने सूटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन निसंदेह बहुत ही ज्यादा पावन है और आप सभी को इस पावन दिन पे बहुत सारी शुभकामनाएं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए और हमेशा अच्छे विचार रखिए, अच्छे लोगों से जुड़िए और अपने एम को लेकर इतना ज्यादा सजग रहिए कि जल्द से जल्द आपको सफलता मिल जाए। और हाँ, अपने परिवार के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहिए, अपने आप खुद का विकास होने लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट अभी आपके पास आया हुआ है, ये है ईमेल जो कि बीएचयू के ऑफिशियली, बीएचयू की तरफ से ऑफिशियली आपको पहुंचाया गया है। हाँ, लेकिन इसको देखने के बाद आपको पूरी बात मेरी समझनी पड़ेगी। आपको कोई अगर इशू है, अभी कोई प्रॉब्लम है आपके माइंड में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है काउंसलिंग वाला करके, जो भी प्रॉब्लम है आप काउंसलिंग वाला पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करा सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा फीडबैक है उसका, तो इसीलिए मैं उसको बार बार प्रमोट भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत ज्यादा बच्चों तक पहुंचने के लिए और बच्चों को मेरे पास पहुंचाने के लिए आसान है। तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम काउंसलिंग वाला के थ्रू आराम से रख सकते हो। ठीक है, ये जो मेल है ये कहता है रिपोर्टिंग एंड ओरिएंटेशन शेड्यूल फॉर मास्टर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम, मतलब कि ये पर्टिकुलर एक कोर्स के लिए है, एमवॉक के लिए है, जो कि कह रहा है कि आरजीएससी में, चूंकि आरजीएससी बीएचयू का वो पार्ट है, वो यूनिवर्सिटी का हिस्सा है जो फुल हॉस्टल अकोमोडेशन देता है, यानी इस कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो पूरे 100% बच्चों को आवासीय हॉस्टल देने की सुविधा है। तो ऐसे में वो 29 तारीख को, आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 29 जुलाई को वो आपको बुला रहे हैं। तो जिन बच्चों को भी इस तरीके का मेल आ रहा है, प्लीज अपने डेट पे वो उस डिपार्टमेंट में पहुंचने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, इससे रिलेटेड को डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो कि आप लोग या तो काउंसलिंग वाला भी मैसेज करके पूछ लो या फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तब मैं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि यहां पे इस वीडियो में बेहद जरूरी है ये बात जानना कि हॉस्टल कितने लोगों को मिलता है। मेरे बात ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे 100 सीटें हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये 100 स्टूडेंट हैं। अब इन 100 स्टूडेंट्स में कितने लोगों को हॉस्टल बीएचयू देता है, तो आरजीएससी क्या करता है, वो तो 100% देता है। लेकिन अगर हम लोग बीएचयू में देखें, यानी डीएमसी को देखें, तो डीएमसी में ये लगभग 30% लोगों को ही हॉस्टल देता है। कितने लोगों को? 30% को। बाकी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ध्यान देना, ठीक है, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इसमें प्राइवेट हॉस्टल चलता है, यानी जो भी इसमें जाएंगे बच्चे वो प्राइवेट हॉस्टल में ही जाके अपना ले सकते हैं। अब आप सोचोगे कि सर आप प्लीज हेल्प करो, क्योंकि हमारा तो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या फिफ्थ राउंड में एडमिशन हुआ है, तो हमें तो हॉस्टल नहीं मिलेगा। बेसिकली हॉस्टल किसको मिलता है? जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ है। तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में एडमिशन लिए हैं उनको तो हॉस्टल मिलने से रहा, तो वो लोग अब हॉस्टल ढूंढेंगे कैसे? तो डिस्क्रिप्शन में चेक करो, एक काउंसलिंग वाला है। क्या है? काउंसलिंग वाला। आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में एक हॉस्टल वाला भी करके लिंक है, जिसको बस ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक है, बस ज्वाइन करो। उसको ज्वाइन करने के बाद आज से दो दिन बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा जिसपे आप डायरेक्टली कॉल करके फ्री में हॉस्टल की सुविधा के बारे में जान सकते हो, यानी वो रिकमेंड कर देंगे कि आप यहाँ पे हॉस्टल ले सकते हो। बाकी जिसको बहुत अच्छे से हर कुछ जानना है पढ़ाई के बारे में, कौन सा एरिया बढ़िया है, मतलब एक डिस्कशन चाहिए, तो वो काउंसलिंग वाला ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग कम से कम 2 दिन इंतजार करो और 2 दिन के बाद हम लोग जितने भी बनारस के एफिलेटेड और बीएचयू के आसपास प्राइवेट हॉस्टल्स हैं उनका पूरा कॉन्टेक्ट नंबर आप तक पहुंचा देंगे। बाकी आप लोग बहुत परेशान हो तो इस परेशानी के समय में आप काउंसलिंग वाले का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो अब लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इस नोटिफिकेशन के बाद बच्चे पैनिक हो रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आ गया, हम कैसे तैयारी करें? तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि अब यूनिवर्सिटी लगभग कोर्सेज के हॉस्टल एलोकेशन के लिए आपके पोर्टल पे लिंक डालेगी। जैसे ये मेल आया है ना, तो इनके पोर्टल पे हॉस्टल के लिए गया भी होगा, मतलब कि आप इस हॉस्टल को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पेमेंट करो, इस तरीके का भी जाएगा। ये हर जिन बच्चों को भी मेरिट में आएंगे, जो बच्चे भी हॉस्टल के लिए एलिजिबल होंगे उनको जाएगा और इस तरीके का मेल भी जाएगा। लेकिन ध्यान देना, हर किसी को नहीं जाएगा, जिसको मिलने वाला होगा उसी को जाएगा ये। तो बाकी बच्चे मेरे वीडियोस देखते रहो, मैं आपको बताता रहूंगा कि हाँ इस कोर्स के हॉस्टल अलॉटमेंट गए हुए हैं, आप लोग एक बार चेक कर लो। ठीक है, बाकी
अभी यूजी काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है तो मुझे बहुत सारे वीडियो यूजी वालों के लिए कहीं ना कहीं अब शूट करना पड़ेगा। तो ऐसे में प्लीज आप लोग कोशिश करो कि काउंसलिंग वाला पे जुड़ जाओ, जहां पे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हो। 50 रुपीज में फुल सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा, खुद आपको कॉल जाएगा। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के दिन की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, यहाँ एडमिशन के बाद मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग बनारस में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, बाबा विश्वनाथ जी और दुर्गा कुंड पे दुर्गा माता है, इन तमाम लोगों के पास जरूर जाकर दर्शन करिएगा। ठीक है, तो आप सभी को मैं बनारस का होने के नाते आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव। बाकी मिलूंगा तो मिठाई भी खाऊंगा। ठीक है, हर हर महादेव।